जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सुहेब खान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो भाई रेडी शेडी हो चुके हैं, इस वक्त हम जा रहे हैं डिनर पे क्योंकि मेरा दोस्त है जैन, उसने मुझे दी है दावत उम्रे की। तो अब मैं जा रहा हूँ डिनर पे, तो वो वेट कर रहा होगा। तो कुछ खापे शापे का प्रोग्राम है भाई, कुछ चाइनीज शाइनीज खाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो फिर चलें भाई। जिस किसी ने भी अभी तक मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा वो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो और ठोक दो। जी तो गाइस इस वक्त मैं आ चुका हूँ लाचैन डिनर के लिए। ये आ चुका है हॉट एंड सावर सूप और ये देखिए बड़ा जबरदस्त सूप लग रहा है देखने से। और अब हम इसको ट्राई करते हैं प्राउन्स चंक के साथ है। भाई जहन अपनी फेवरेट जगह पे हमें लाया हुआ है जो इसको बेहद पसंद है, चाइनीज प्लस लाचैन। तो लेकिन सूप बहुत अच्छा है, बाकी फूड ट्राई करते हैं। तो भाई ये आ चुके हैं डायनेमिक प्राउन्स, बहुत ही टेस्टी और यमी। और अब करते हैं हम इसको ट्राई प्राउन्स। तो भाई ये चाइनीज चाइनीज खा लिया है साथ, और ये है इसके साथ गरीबी शाफलेक। और अब इसको भी हम ट्राई करते हैं। One hour later. पैकिंग चेकिंग करें कुछ भाई, और पैकिंग में देखते हैं यहाँ तो सब फैला शैला पड़ा हुआ है। ये एहराम भी रखा हुआ है, एहराम भी अभी बांधने हैं। मैं तो एहराम बांधना भी भूल गया भाई, किस तरह एहराम बांधते थे। 6 साल पहले एहराम बांधा था तो याद नहीं किस तरह बांधा था। अब कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ एहराम बांधने की, तो फिर पता चलेगा एहराम बनता भी है या एहराम जाएगा। लेकिन भाई भाई को पहनना नहीं आता, अब ट्राई करते हैं कि किस तरह पहनते हैं। 6 साल हो गए मुझे एहराम बांधे हुए, तो इस बार 6 साल बाद बुला हुआ है तो भाई भूल गया, पता चला एहराम रास्ते में उतर गया तो भाई का हो गया काम। यार इसको बांधेंगे किस तरह, ये तो मैं भूल गया, सीरियस में भूल गया। ये ऐसे 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 बांध देंगे है। अरे ये पता चला ये तो रास्ते में उतर जाएगा भाई, है गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। चलो एक बात बोलूं, ये अटक नहीं रहा। मैं एक बात बोलूं, हाँ बोलो। ये आपके पेट से वैसे ही अटक जाएगा, बांधने की जरूरत नहीं है, तगड़ा पेट है। कोशिश करते हैं अब सीरियस वाली। और इसको हमने ऐसे करा, इसको हमने ऐसे करा और ऐसे। ये मजाक से अटके नहीं बन रहा भाई, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे ऐसे ऐसे तो भाई आप लोग बताएं सही बना है नहीं बना। बांध के उमड़े के लिए भाई आपका रेडी है, बिल्कुल तैयारी शैरी चल रही है और बस इसके ऊपर बेल्ट शर्ट बंधे की, पता है ना बेल्ट बांधना जरूरी है वरना तो। मैं सोच रही हूँ अगर इस पे बेल्ट बन गई तो ये और कितना केजी हो जाएगा। यार तुम मजाक मत करा करो, ये समझे ना, ये इतना स्मार्ट हस्बैंड तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। ये तुम शुक्र मनाओ, ये तो है, मैंने कहीं नहीं देखा। खाना काबा को चूमो, बोलो इतना खूबसूरत इतना हैंडसम टैलेंटेड मुझे हस्बैंड दिया है यार। बेल्ट शर्ट आ गई है, अभी अल्लाह करे आपके भाई को आ जाए कमर से। नहीं नहीं आएगी आएगी, ये बेल्ट छोटी है भाई, पेट मेरा सही है, ये बेल्ट का साइज छोटा है, देखिए मैं इसको बढ़ाऊंगा। अच्छा ये भी तो खाया है, तो इस वजह से ये कमर पे फेंक नहीं आ रहा। नहीं नहीं अभी एक ट्राई और मारेंगे भाई, ये अभी भी बेल्ट छोटी है, तुम नहीं समझ रही है, ये बेल्ट छोटी है, इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें बेल्ट का कसूर है। मेरा साइज वही है पहले वाला, अब ये बेल्ट का साइज छोटा हुआ है तो मेरा क्या कसूर है इसके अंदर। भाई सांस रोक रोक के थक गया आपका भाई, लेकिन बेल्ट नहीं आ रही है तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आ गई भाई बेल्ट शर्ट आ गई, आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं पतला हूँ यार, खामा खाई मुझे बदनाम कर के रखा हुआ यार, मोटा हो गया मोटा हो गया। तो आपका भाई रेडी शेडी हो गया है और ये ऊपर से उसका आराम भी हमने पहन लिया। तो भाई चलते चलते पैकिंग वैकिंग करते हैं, अब बैग शेक रखा हुआ है, बैग उठाएंगे भाई, अपने कपड़े शपड़े डालेंगे इसके। भाई ये बैग शेक नहीं आया, सामान इसको बांधेंगे, ये पैकिंग भाई भाई यही शर्टें पहनते हैं और इसको भी डालो। ये भाई भाई की टोपी शोपी है, इसको भी डालो। ये भी आ गए हमारे भाई की नई शर्टें आ गई, इसको ठीक है, ये डाला बैग के अंदर, ये डाला बैग के अंदर। The next day. रेडी शेडी हो चुके हैं और हमारा सामान वान हो रहा है पैक। ये देखिए भाई ये सामान आ गया
और ये बैग में चेक पैक हो रहा है, निकलेंगे हम एयरपोर्ट के लिए। ये आराम शराम ले लिया, ये हम हाथ में हैंड कैरी ले लेंगे और चप्पल हम पहन लेंगे पैरों के अंदर। अब हम हो गए रेडी, ठीक है ना, अब निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। बस बच्चे शच्चे जरा नीचे गए हुए, आज वीकेंड है, छुट्टी है तो बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों से मिलने। बच्चों को बिल्कुल परवाह नहीं है भाई, मिस ही नहीं कर रहे बच्चे तो हमें। अब बच्चों को मिलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि नीचे गाड़ी भी खड़ी हुई है। आप मिल नहीं रही बाबा साहब की, हैं बाबा साहब की नहीं मिल रही है, नीचे ही लगी हो खेलने में, कुछ पता ही नहीं है ना आपका ना इब्राहिम का, है हाँ। क्या हुआ क्यों रो रही हो पाग, क्यों रो रही हो भाई, रो रही है लीदा ना, रो रही है इब्राहिम भी आ गया, इब्राहिम भी आ गया, अलीदा रो रही है, देखो अलीदा क्यों पता नहीं क्यों रो रही है, देखो देखो इब्राहिम खुश हो रहा है, आप रो रही हो, इब्राहिम को तो आज़ादी मिल गई, ये देखो इब्राहिम अलीदा रो रही है, चला खड़ी चलिए खड़ी खड़ी, खड़ी चला बाबा से भाई, ये देखिए रो रही है, देख अपने आंसू देख, ये देख ये देख ये देख ये देख आंसू देख, हाँ चल 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 रो के लिए, पागल है भाई अलीदा और इब्राहिम को हम छोड़ के जा रहे हैं, और अलीदा इमोशनल हो गई, अलीदा रो रही है, बस चुप चुप हो जा, देख इब्राहिम को देखो, ये देखो इब्राहिम रो रहा है, देखो इब्राहिम नहीं रो रहा, बस चुप हो जा, चलो चुप चुप चल आराम से बैठ जा, बस चुप हो जा, चलो हो गया, आ जाए इब्राहिम, गाड़ी लेके आओगे मेरे लिए, क्या लेकर आऊँ आपके लिए, वॉच वाली कार, कपी तो दे दो, खुशी तो दे दो पापा को, पापा जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, मिस करोगे पापा को, हैं कितना मिस करोगे, ज़्यादा ज़्यादा कितना, बहुत ज़्यादा भाई, कह रहा बहुत ज़्यादा मिस करेगा, आप तो नहीं होते ना, नहीं आप तो अच्छे बच्चे हो, वो देखो वो रो रही है, देखो देखो उसकी आंसू देखो, ये सारा अलीदा सब आ रही है, सब देख रहे हैं आपको, ये रोते हुए हैं, इस तरह रोते, बुरी बात होती है ना, इस तरह नहीं रोते, चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चलो हम एयरपोर्ट पे होंगे, जा रहे हैं हम मक्का अल्लाह ताला के घर, चलो भाई वापस से भी बच्चों का ख्याल रखना बहुत रोई है, बहुत रोई है, अच्छा बस ना गीता फिर हमें रुलाओगी क्या है, हम रोते हुए जाएं, हाँ हमें रुलाते हुए जाओगी हैं, हमें रुलाते हुए जाओगी हैं, हमें रुलाते हुए जाओगी नो, 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 आ जाएंगे हम, जब भी आ जाएंगे आप हमें रुलाते हुए जाओगे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ना बाबा भी रो जाएंगे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, बाबा को भी रुलाएंगे बेटा, मैं गाड़ी लाऊंगा आपके लिए, गाड़ी लाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, इब्राहिम इब्राहिम ने बैग सेट संभाल लिए है, एक अलीजा के पास है और एक इब्राहिम के पास, एक इब्राहिम के पास है बैग, भाई हमारे सामान सामान आ गए दोनों, इब्राहिम मिस करोगे मुझे, हाँ। हैं कितना, हाँ। कितना बहुत ज़्यादा, ठीक है और यार गोल गोल घुमा रहे हो क्या बैग को, हाँ।
राउंड घुमा रहे हो बैग को, राउंड राउंड। तो भाई हम गाड़ी खड़ी का वेट कर रहे हैं, हमने कैब मंगाई है मेट्रो की, और मेट्रो की कैब का वेट कर रहे हैं, देखें आती है तो। ये वाइट कैब जी 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 आ जाए भाई, ये सामान है, ये दो बैग हैं। कहाँ है लीजा वहाँ तो, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? तो भाई ये सामान सामान हम रख रहे हैं बैग का और हम जा रहे हैं। इब्राहिम को परवाह ही नहीं है भाई, इब्राहिम मस्त है, हैं इब्राहिम। फिर बुलाएगी मुझे, फिर बुलाएगी। नहीं नहीं चलो, ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, ठीक है? चला गया किसी तो जल्दी से खुश हो गया, हंस के दिखाओ जल्दी से। हाँ अल्लाह। एयरपोर्ट शेयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, सामान सामान निकाल लिया हमने। रश देखें आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे, कितना रश हो रहा है। लेकिन हम यहाँ से रश से नहीं जाएंगे भाई, हम जाएंगे ये फास्ट ट्रैक से डायरेक्ट बिजनेस क्लास। तो भाई हम यहाँ पे आ गए हैं फास्ट ट्रैक बिजनेस क्लास लॉन्च के अंदर, और बिल्कुल देखें सुकून से हम यहाँ पे अपना सामान लगेज रखेंगे और फिर हम जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है? उस तरफ तो आप देखें बहुत रश। और ये आ गया है बिजनेस क्लास लॉन्च इस तरफ, और खूबसूरत बना हुआ एयरपोर्ट, और अब हम अंदर जा रहे हैं, ज़रा इमिग्रेशन करवाएं, पहले सामान रखें हमारा, ये हमारा सामान जा रहा है। तो सामान रखने के बाद फिर हम जाएंगे अंदर इमिग्रेशन काउंटर। सर टिकट पासपोर्ट। तो गाइस हम आ चुके हैं इस वक्त इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, और सामान वगैरह लगेज मैंने रखवा दिया है, और अब यहाँ पे हम इमिग्रेशन लाइन में खड़े हैं, तो जहाँ से हम बोर्डिंग कराएंगे। बोर्डिंग तो हो गई हमारी, बोर्डिंग हमारी हो चुकी है, और अब हम इमिग्रेशन करा रहे हैं। तो भाई इमिग्रेशन हमारी हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो भाई अल्लाह का शुक्र है हमारी इमिग्रेशन हो गई है, और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ लॉन्च के अंदर। तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो, ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं यहाँ पे, और ये देखिए सामने, अब हम जाते हैं लॉन्च में, फिर आपको बताते हैं। तो भाई यहाँ पे आ गए हैं मैजेस्टिक लॉन्च के अंदर, और अभी हम एंट्री कर रहे हैं अंदर की तरफ, कुछ फूड शूट लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस इस वक्त हम बैठे हैं मैजिक लॉन्च के ऊपर, और ये देखो यहाँ का व्यू, तो भाई आपके भाई ने ऑर्डर शोर्डर कर दिया है, अब जैसे ही ऑर्डर आता है तो हम आपको दिखाते हैं। और लॉन्च का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, नीचे मैच चल रहा है हॉल का, और नीचे भी सीटिंग है, और हम लोग बैठे हैं इस वक्त ऊपर। तो भाई आ चुकी है इस वक्त डायनेमिक चिकन, और बाकी फूड राइस वगैरह आ रहे हैं, वो भी हमने मंगाया, और हमने मंगाया है सैंडविच। तो ये मेरी बेगम कर रही है टेस्ट इस वक्त, और फिर करेंगे का भाई भी इस वक्त टेस्ट करता है चिकन। तो भाई ये आ चुके हैं राइस विद चिकन्स, और इसके पास सॉस सॉस जली हुई है, और ये आ गया सूप। तो भाई ये सैंडविच आ गया है हमारा, क्या कह रही हैं आप?
इस सैंडविच से कुछ हो जाएगा आपको? इससे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्लेन भी तो है ना, फिर प्लेन में भी अच्छे खाने मिलेंगे, लेकिन अरबी वाले खाने मिलेंगे क्या पता खाए जाए नहीं खाए जाए। बहुत आज मैंने बहुत भाग दौड़ करी है, बहुत ज़्यादा, बहुत टायर्ड हो गया हूँ। सुबह 10 बजे से उठा हुआ हूँ, सोचा था नींद पूरी करूँगा, उमरा करना है, लेकिन बहुत टायर्ड हो गया हूँ, बहुत टायर्ड। बस अल्लाह ताला हिम्मत दे तो फिर मैं उमरा करूँ, आराम पहनूँ अभी। तो भाई ये मेरी बेगम ने मंगाई है चाय, और क्या तुम्हें चाय की पड़ी रहती है, कुछ ठंडा ठंडा खाओ यार। मैं आपको पता है मुझे चाय, लेकिन चाय शक्ल से बहुत टेस्टी लग रही है, तो पी के पता चलेगा कैसी चाय। और आपके भाई ने भाई ड्रिंक मंगाई है। तो भाई हमारी बेगम श्रीगम को इतना पसंद आ चुका है डायनेमिक, तो इन्होंने वापस ऑर्डर कर दिया और वापस मंगा लिया। भाई भाई तुम्हें क्या ज़्यादा ही पसंद आ गया कुछ डायनेमिक चिकन? मैंने कुछ और खाया नहीं है, यही वही तो उन्होंने कहा, हमारी बेगम ने दोबारा ऑर्डर छोड़ा करा भाई डायनेमिक चिकन का, तो इनको टेस्टी लग जाए भाई, मुझे आइडिया है। भाई मैजेस्टिक टाउन से हम हो चुके हैं फ्री, खाना शाना खा लिया, डिनर विनर कर लिया है, और अब जा रहे हैं अंदर की तरफ, बस मस्जिद जाएं, आराम पहनूं मैं, आराम पहन के फिर अपने सफ़र पर निकलेंगे, आगाज़ करेंगे उम्रे का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और फिर आराम पहनता हूँ तो फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई यहाँ पर भी एक काउंटर है जहाँ पर लगेज वगैरह चेक हो रहा है, और यहाँ से चेक इन करना है अंदर। और ये हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग आ रहे हैं, 2:30 बजे की फ़्लाइट जद्दा सऊदी एयरलाइन SV705। जी तो गाइस आराम पहन लिया है मैंने, अब मैं अपने सफ़र पे निकल रहा हूँ मक्के के लिए, और अब हम जा रहे हैं जद्दा, जद्दा से जाएंगे मक्का, अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। और आप सब दुआ में याद रखिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट पर जद्दा के। तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के। तो अनाउंसमेंट हो चुकी है तो मैं जा रहा हूँ।